दोस्तों, भारत में आजादी के बाद रियासतों के विलय की तो खूब कहानियां सुनाई जाती है, लेकिन भारत में आज कुछ ऐसे समुद्री द्वीप भी हैं जिनकी आज अपनी इम्पोर्टेंस है और उनके भारत में शामिल होने के लिए भी कई तरह के प्रयास किए गए हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही द्वीप अंडमान निकोबार की, जो आज के समय भारत का एक बड़ा टूरिस्ट पॉइंट बन गया है। लेकिन एक समय था जब अंडमान को लेकर भारत और ब्रिटेन ये तय नहीं कर पा रहे थे कि इसे कैसे बांटे, क्योंकि यहाँ पर अपनी कोई रियासत तो थी नहीं जिसके राजा ये तय करते कि उन्हें किसके साथ जाना है। लेकिन अंडमान निकोबार के भारत में शामिल होने की कहानी अपने आप में बहुत कुछ आजादी के समय के टेंशन के बारे में बताती है। आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। बात करें अगर अंडमान निकोबार के इतिहास की, तो वहां चोल साम्राज्य के महाराजा राजेंद्र चोल द्वितीय पहले शासक हुए थे, जिन्होंने अंडमान निकोबार को एक नेवल बेस की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। उनके समय में इन आइलैंड्स को मां नक्कवरम के नाम से जाना जाता था। उसके बाद 17वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य के सेनापति कान्होजी आंग्रे ने अंडमान में अपना नेवल बेस बनाया और 1755 आते आते इस द्वीप पर यूरोपियन लोगों का आगमन होने लगा। इस कड़ी में अगर सबसे पहले की बात करें तो दिसंबर 1755 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी इस द्वीप पर आने वाले पहले यूरोपियन थे और उन्होंने इसे नाम दिया न्यू डेनमार्क। लेकिन लोग तो आते रहे, लेकिन यहाँ रह पाना बहुत मुश्किल होता रहा। कहा जाता है कि 18वीं सदी में कई दशक ऐसे रहे जिनमें अंडमान निकोबार को मलेरिया के फैलाव की वजह से छोड़ना पड़ा था, जिसके चलते एक बार तो यूं हुआ कि ऑस्ट्रिया को गलतफहमी हो गई। उन्हें लगा डेनमार्क ने द्वीप खाली कर दिया है और उन्होंने इस द्वीप का नाम थेरेसा आइलैंड्स रख दिया। लेकिन अंडमान में असली कहानी शुरू होती है अंग्रेजों से, जो 1858 में पहली बार भारत के अंडमान पहुंचे और ब्रिटिशर्स ने पहली बार अंडमान में अपनी कॉलोनी बनाई। लेकिन इस कॉलोनी की फेमस होने की सबसे बड़ी वजह थी यहाँ की जेल, जिसके बारे में सबको पता ही होगा कि अंग्रेज यहाँ सेलुलर जेल बनाकर अपराधियों और विरोधियों को सजा के लिए भेजने लगे थे, जिसे काला पानी की सजा का नाम दिया गया और ये चलता रहा। लेकिन 40 के दशक में भारत जब आजादी के कगार पर पहुंच गया था, तो दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध छेड़ा जा रहा था। इसी युद्ध के दौरान 1943 में यह हुआ कि जापान ने अंडमान निकोबार पर हमला कर दिया और इस हमले के बाद यहीं पर जापान की मदद से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद की इंटरिम गवर्नमेंट बना डाली। लेकिन सबको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान का क्या हुआ, वो जंग में बुरी तरह हार गया। ऐसे में 1945 में जापान की हार के बाद अंडमान निकोबार दोबारा ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ गए। लेकिन अब माहौल पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि जल्द ही ये उनके गले की हड्डी बनने वाले थे। अब आया टाइम आजादी का, यानी बंटवारे का, यानी रियासतों के भारत और पाकिस्तान में विलय का। और ऐसे में सारी रियासतों की तरह अंडमान निकोबार पर भी सवाल उठा कि ये किसके पास जाएगा। लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों का लालच था कि वो इसे अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहते थे। उनके लिए ये द्वीप स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस का था, क्योंकि यहाँ से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की कॉलोनियों को डायरेक्ट सपोर्ट मिलता था। इसलिए ब्रिटिश मिलिट्री इन द्वीपों को ब्रिटेन के कब्जे में रखना चाहती थी। लेकिन उनके चाहने से कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि फैसला इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी को करना था। वहीं वॉयसराय लॉर्ड माउंटबेटन चाहते थे कि बंटवारे का मसला निपटाकर जल्दी से जल्दी यहां से निकला जाए। इंडिया इंडिपेंडेंस बिल के ड्राफ्ट के 16वें आर्टिकल में अंडमान निकोबार का मुद्दा था, लेकिन ये बात भारतीय राजनेताओं को मालूम नहीं थी कि अंग्रेज अंडमान निकोबार को लेकर क्या सोच रहे हैं। इस मामले में माउंटबेटन और इंडिपेंडेंस कमेटी के बीच कई सीक्रेट बातचीत हुई, जिसमें माउंटबेटन का कहना था कि अंडमान निकोबार के लिए बीच का रास्ता निकालना चाहिए। उन्होंने शुरुआत में प्रस्ताव दिया कि भारत और ब्रिटेन अंडमान निकोबार को जॉइंट कंट्रोल में ले ले, या ब्रिटेन इन द्वीपों को लीज पर मांग ले। लेकिन तभी ये खबर मीडिया में लीक हो गई और ये खबर छपी कि नए समझौते के तहत अंडमान निकोबार ब्रिटेन को दिए जाने वाले हैं। अब ये सीक्रेट बातचीत का मुद्दा बाहर आ चुका था।
माउंट बेटन चाहते थे कि अंडमान निकोबार के मुद्दे पर भारत में एक और विद्रोह खड़ा हो सकता है और तब उनका शांतिपूर्वक यहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा, जबकि इंडिपेंडेंस कमेटी आखिरी वक्त तक अंडमान निकोबार को अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहती थी। इस तरह ये सीन था कि भारत इन द्वीपों को नहीं छोड़ना चाहता था और भारत के लोगों में इसके खिलाफ विद्रोह था, जिसे लेकर माउंट बेटन को यहाँ से जाने में डर लगने लगा और ब्रिटिश आर्मी अंडमान पर अपना कब्जा चाह रही थी। अब इस सिचुएशन में आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ ने ब्रिटिश कैबिनेट को नया रास्ता सुझाया। सुझाव ये था कि अंडमान निकोबार के लिए एक अलग कमिश्नर नियुक्त किया जाए जो सीधे गवर्नर जनरल के अंडर काम करेगा जब तक अंडमान निकोबार की सिचुएशन साफ नहीं हो जाती, और ऐसे में भारत पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस में लेकर यही स्थिति मेंटेन रखी जाए। दूसरी तरफ माउंटबेटन ने इससे अलग सलाह दी। उनका कहना था कि अभी के लिए अंडमान निकोबार को स्वायत्तता तय कर दी जाए और आगे जाकर जरूरत के हिसाब से भारत से समझौता कर लिया जाएगा। माउंटबेटन ने इस मुद्दे पर नेहरू से बात की। नेहरू भी इसके लिए तैयार हो गए कि ऐसे किसी प्रस्ताव को भारत जरूर देखेगा। हालांकि उन्होंने इस बात की कोई गारंटी नहीं दी कि ऐसा कोई समझौता होगा ही होगा। नेहरू और माउंटबेटन के बीच ये बात चली रही थी कि तभी एक तीसरे प्लेयर की एंट्री हुई, यानी जिन्ना, यानी कि मुस्लिम लीग, यानी कि पाकिस्तान, जिस पर जिन्ना ने दावा किया कि बाकी भारत की तरह अंडमान निकोबार का भी बंटवारा होना चाहिए। बेसिकली वो भी अंडमान पर अपना दावा पेश करने के लिए आए थे। इन्होंने अंडमान निकोबार पर पाकिस्तान का दावा पेश करते हुए कुछ तर्क दिए, जिसमें जिन्ना का कहना था कि पाकिस्तान एक होकर भी दो है, जिसके दो हिस्सों के बीच में भारत पड़ता है। संभव है कि अगर किसी दिन भारत ने रास्ता देना बंद कर दिया तो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच सिर्फ समंदर से रास्ता बचेगा, और ऐसे में उनके लिए अंडमान निकोबार की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। जिन्ना का दूसरा तर्क ये था कि अंडमान निकोबार ऐतिहासिक रूप से भारत का हिस्सा नहीं रहे, वहाँ की अधिकतर जनसंख्या आदिवासी है और उनके भारत से ना तो धार्मिक ना ही सांस्कृतिक रूप से संबंध रहे हैं। जिन्ना की कोशिश थी कि हिंदू मुस्लिम वाला एंगल इस्तेमाल में लाया जाए, क्योंकि अभी तक ये तय हुआ था कि हिंदू बहुल इलाके भारत में आएंगे और मुस्लिम बहुल पाकिस्तान में। जिन्ना ने इसी वास्ते ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली और विपक्ष के नेता विंस्टन चर्चिल को एक खत भी लिखा। चर्चिल जिन्ना के अच्छे दोस्त थे। वही एटली ने जिन्ना का पक्ष लिया। उन्होंने वायसराय माउंटबेटन को खत लिखकर उनसे राय पूछी। माउंटबेटन ने नेहरू से उनकी राय पूछी और नेहरू 1941 की जनगणना लेकर आ गए, जिसके हिसाब से अंडमान निकोबार की जनसंख्या 34,000 के आसपास थी। इनमें 8,000 मुसलमान, 12,000 हिंदू सिख ईसाई मिलाकर और बाकी आदिवासी थे। जिन्ना ने जवाब में कहा कि इससे ये साबित होता है कि हिंदू यहाँ बहुसंख्यक नहीं है। तब नेहरू ने यहाँ पर एक और गेम खेला और कहा कि वहाँ मेजॉरिटी पॉपुलेशन नॉन मुस्लिम है, इसलिए इसे पाकिस्तान में नहीं दिया जा सकता। साथ ही उन्होंने भारत और अंडमान के ऐतिहासिक रिश्तों को भी याद दिलाते हुए बताया कि अंडमान में काफी संख्या में लोग मद्रास, केरल और बंगाल से आकर बसे हैं और यहाँ की जुडिशरी भी कलकत्ता हाईकोर्ट के अधीन आता है, इसलिए भारत का अंडमान निकोबार पर हक साबित होता है। अब सिर्फ एक सवाल बाकी था, क्या वो अगर भारत किसी दिन पाकिस्तान को अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने से रोक दे तो, जो कि जिन्ना के सबसे बड़ा लॉजिक था। लेकिन नेहरू उसके लिए भी तैयार थे और इस पर नेहरू ने समुद्री रास्ते का मैप मंगवाया और ये साबित कर दिया कि कराची से चटगांव यानी पश्चिमी पाकिस्तान से बांग्लादेश के रास्ते में अंडमान या निकोबार जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे में अगर भारत अपना रास्ता बंद भी करता है तो उन्हें समुद्री रास्ते के लिए अंडमान निकोबार की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस फिर क्या था, जिन्ना शांत हो गए और माउंट बेटन ने यही जवाब ब्रिटेन पीएम एटली को भेज दिया। एटली इतने पर भी तैयार न हुए। उन्होंने एक नया प्रस्ताव देते हुए कहा कि जब तक अंडमान निकोबार का हल ना हो, इसे इंडिपेंडेंस बिल से अलग रखा जाए। अब आखिरी बॉल माउंट बेटन के पाले में थी। इन्होंने इंडिपेंडेंस कमेटी को राय देते हुए कहा कि बंटवारे की अंतिम घड़ी में अंडमान निकोबार को लेकर बात बिगड़ सकती है, इसलिए इस मुद्दे पर ब्रिटेन बाद में अलग से भारत से चर्चा करे। आखिरकार माउंट बेटन की बात मान ली गई और अंडमान निकोबार भारत के हिस्से में दे दिया गया। इसका एक बड़ा कारण ये भी रहा कि एटली को उम्मीद थी कि नेहरू और माउंटबेटन की दोस्ती के चलते आगे जाकर उन्हें अंडमान में पोस्ट बनाने की इजाजत मिल जाएगी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। नेहरू ने ब्रिटेन से ऐसा कोई समझौता करने से इनकार कर दिया,
जिसमें भारत की जमीन को विदेशी मिलिट्री पोस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। इस तरह से नेहरू की समझदारी से भारत ने अंडमान को भारत का हिस्सा बना लिया। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या नेहरू ने अगर सही टाइम पर अंग्रेजों और जिन्ना से अंडमान निकोबार के लिए जरूरी जानकारियां और लॉजिक नहीं पेश किए होते तो क्या आज ये द्वीप भारत का हिस्सा हो पाता? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे चैनल की हर लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंचे सबसे पहले।